नाम गैरी एलन, उम्र 47 साल, जगह ब्रिटेन, जुर्म बेदर्दी से दो दो औरतों की हत्या। गैरी की इन्हीं नर्म आंखों को लोगों का दर्द देखना पसंद था। गैरी के दिल को सुकून लोगों के बहते खून से मिलता। तुम्हें सनकी के कानों को ठंडक लोगों के रोने की आवाज से मिलती। बेरहम कातिल बन चुके गैरी को औरतों को मारने में एक अलग ही किस्म का आनंद आता। दरअसल गैरी समाज में रह रही औरतों को बड़ी ही हीन भावना की नजर से देखता। उसकी नजर में औरतें सिर्फ घर की बंद दीवारी में अच्छी लगती हैं, ना कि छोटे कपड़ों में काम पर जाती हुई। वेश्या का काम करने वाली औरतों से गैरी खासा नफरत करता। गैरी समाज में इन औरतों का सफाया कर एक साफ सुथरा समाज बनाने की कल्पना करता, लेकिन वो चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। अंदर ही अंदर महिलाओं के प्रति उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी बीच कई दिनों बाद उसके हाथ एक मौका लगा। दरअसल एक रोज़ 29 साल की वेश्या को गैरी ने किसी तरीके से अपनी कार में बिठाया। बंद कार में गैरी का सालों से बैठा खूनी हैवान अपना बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा। गैरी ने इसके बाद बेफिक्री से बैठी लड़की पर किसी कहर की तरह टूटा और उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद कार से नीचे धकेल गाड़ी से इतनी बार रौंदा कि जब तक लड़की के एक एक सांस के कतरे ने उसका साथ ना छोड़ दिया। इतनी सी भी जब गैरी का मन नहीं भरा तो उसने लड़की के कई हिस्सों को एक एक कर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। बेदर्दी से किए गए इस हत्या ने पुलिस से लेकर पूरे शहर को परेशान कर दिया था। इसी बीच कई सालों बाद गैरी को एक बार फिर औरतों की खून की प्यास लगी और उसने वही तरीका एक बार फिर इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसने एलेना नाम की वेश्या को नग्न कर कई मुक्के मारे। एलेना की रोने की आवाज़ ने मानो गैरी की सालों से सुनी पड़ी मन की चाहत को एक बार फिर जगा दिया। इसके बाद एलेना पर गैरी ने इतने वार किए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद लाश को वेश्या वाली जगह छोड़कर गैरी भाग निकला। पुलिस ने जब इस केस की जांच की तब कहीं जाकर गैरी की घिनौनी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बाहर आ सकी। फिलहाल कोर्ट ने गैरी के इस जघन्य अपराध के लिए उसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।